आज गुजरात के विकास से जुड़े तीन अहम प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो रही है। आज किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे और देश के बड़े और आधुनिक कार्डियक हॉस्पिटल गुजरात को मिल रहे हैं। ये तीनों एक प्रकार से गुजरात की शक्ति, भक्ति और स्वास्थ्य के प्रतीक है। गुजरात रो गिरनार पर्वत रे आरंभ होला विश्वस्तरीय रोपवे। किसान सूर्योदय योजना रे मिलिबो विद्युत द्वारा दिन रे जलसेचन रो सुविधा। शिशु हार्ट हॉस्पिटल रो प्रकल्प रे मिलिबो विश्वस्तरीय सेवा। आज प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली रो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे गुजरात रो गिरनार रोपवे को उद्घाटन करछो। गिरनार पर्वतर एक विश्वस्तरीय रोपवे राज्यर चतुर्थ रोपवे अटे। यह प्रकल्प युवक मानक रोजगार रो सुजोग सृष्टि करिबा सह गुजरात को विश्व पर्यटन स्थली भाव रूपांतरित करिपारिबो, जहां कि भारतर पर्यटन क्षेत्र अभिवृद्धि रे मध्य सहायक हेबो। यहाँ व्यतीत प्रधानमंत्री कृषक मानक किसान सूर्योदय योजना उद्घाटन मध्य करिछन्। एही योजना द्वारा कृषक माने दिनरे जलसेचन पई विद्युत पाई परिबे। गुजरात विद्युत द्वारा जलसेचन ओ पानी जल क्षेत्र रे मध्य बहुत भल काम करिछि बोली प्रधानमंत्री कहिछन्। गुजरात रे अनेक दशंधि धरि थिबा एहार पानी जल समस्या रो समाधान होइथिबारु गुजरात सरकार को अभिवादन जणाइछन्ति प्रधानमंत्री। यहाँ सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणि थरे नूतन कृषि नियम रो उपयोगिता उपरे गुरुत्वारोप करिछन्। कृषकंक आय वृद्धि को दृढ़ करिवा पई सरकार अनेक पदक्षेप नैछन्। कृषक मानक सेमानकर उत्पाद को लाभ रे विक्रय करिवार विकल्प दे सरकार सेमानकु मजबूत करिछन्ति बोली प्रधानमंत्री एही अवसर रे कहिछन्ति। किसान सूर्योदय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता गुजरात के किसानों की आवश्यकता को दी गई है। बिजली के क्षेत्र में बरसों से गुजरात में जो काम हो रहे थे वे इस योजना का बहुत बड़ा आधार बने हैं। साथियों, किसान की आय दोगुनी करने के लिए, लागत कम करने के लिए, उनकी परेशानी कम करने के लिए बदलते समय के साथ हमें अपने प्रयास बढ़ाने ही रहेंगे। एतिसह प्रधानमंत्री शिशु हार्ट हॉस्पिटल रो मध्य उद्घाटन करछन्ति। अहमदाबाद रे जातिसंघर मेहटा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एवं रिसर्च सेंटर सहित संयुक्त ए शिशु हार्ट हॉस्पिटल केवल गुजरात नुहे समग्र भारतर पिलामानंकु हृदघात एवं एहा सहित जड़ित विभिन्न रोगरु रक्षा करिबारे सहायक हेबो बोली प्रधानमंत्री तांक उद्बोधन रे कहिथिले। ब्युरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।